नमस्कार, आप सभी का हनुमान जोत चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस घोर कलयुग में अगर कोई जागृत देव हैं, तो वो हैं हनुमान जी महाराज। कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न हो, सिर्फ एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को याद कर लेते हैं, पूरे विश्वास के साथ बजरंगबली की शरण में चले जाते हैं, तो आपके जो भी दुख कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वे सभी परेशानियां हनुमान जी चुटकियों में दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज हनुमान जी महाराज का एक चमत्कारी उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, दुश्मन से भयभीत हैं, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका पूरा जीवन दुखों से भर गया है, तो ये उपाय करके देखें, आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, धार्मिक जानकारी में आपकी रुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये उपाय आपको कम से कम 9 शनिवार अवश्य करना है। अगर आपकी इच्छा है तो हमेशा ये प्रयोग चालू रखें। ये प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं, साथ में एक दाना उड़द का और प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा पानी लिए जाएं। बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठ जाएं, उड़द का दाना हनुमान जी के चरणों में रख दें। बजरंगबली को प्रार्थना करें कि मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे मारेंगे या मुझे तारेंगे, जो भी करेंगे आप ही करेंगे, और फिर राम नाम का जाप करें, गिनती नहीं करना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई बजरंगबली का मंत्र जानते हैं तो उसका भी जाप कर लें, जो भी मंत्र जानते हैं उसका उच्चारण कर लें, गिनती नहीं करना है। अब आप चरणों में रखा उड़द का दाना उठाएं, मुंह में रखें और निगल जाएं। दाना चबाना नहीं है, साबुत ही निगल जाना है। अगर यही प्रयोग अपने घर में करते हैं तो बजरंगबली की जो तस्वीर है उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लें, तब ये प्रयोग करें। 9 शनिवार के बाद आपका दुख, आपकी परेशानी हनुमान जी महाराज की कृपा से अवश्य दूर होगी। आशा करता हूँ आप ये उपाय अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय सियाराम। धन्यवाद।